रोडवेज प्रशासन भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। रोडवेज के प्रबंधक ने अलवर न्यूज को बताया कि बस चालक और परिचालकों को हिदायत दी गई है कि वे बिना मास्क वाले यात्री को बस में नहीं बैठाएं, साथ ही बस में अधिक सवारी को भी नहीं बैठाएं। प्रबंधक ने यह भी बताया कि रोडवेज बस के आने और जाने से पूर्व बस को सैनिटाइजर जरूर किया जाता है, साथ ही यात्रियों को भी कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शायद कल से हम ये स्टार्ट करवा देंगे कि जो इंटरस्टेट हमारी जो भी गाड़ियां चल रही हैं उसमें हम कंडक्टर को ही बस में थर्मल स्कैनिंग गन हम दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि बस में चढ़ने से पहले कंडक्टर थर्मल स्कैनिंग करके ही यात्रियों को बिठाएगा। बाकी हमने सभी परिचालकों को पाबंद कर दिया है कि बिना मास्क के बस के अंदर कोई यात्री नहीं बैठे, और बस में जो बैठक क्षमता है उससे ज़्यादा सवारियाँ वो नहीं लें। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसमें प्रशासन का हम सहयोग कर सकें। तो जैसे कोई उनकी थर्मल स्कैनिंग के लिए कोई अलग से व्यवस्था? उनकी थर्मल स्कैनिंग के लिए हमने स्टाफ लगा रखा है, पर चूंकि बस स्टैंड पे क्या है, एक कोई मुख्य द्वार नहीं है जिसकी वजह से हम द्वार पे लगा सके। बाकी प्लेटफॉर्म पे हम करवा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे हमने स्टाफ लगा रखा है, हम उसमें थर्मल स्कैनिंग करवा रहे हैं। बसों को हम रेगुलर सैनिटाइज करवा रहे हैं, रूट पे से ऑफ होती है बस, जैसे ही वर्कशॉप में आती है तो वर्कशॉप के गेट पे सैनिटाइज होके अंदर जाती है, तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हमने करवाई हुई है।